Good morning and a hearty welcome to Hearty Life Blogs. Welcome back to the channel. सुबह की शुरुआत एक अच्छे से ब्रेकफास्ट से की जाए तो दिन एकदम तरोताजा वाला निकलता है। स्टॉकहोम से गोतेनबर्ग हम एक शॉर्ट ट्रिप पे आए हैं और गोतेनबर्ग का ये हमारा सेकेंड डे है। पूरा दिन आज हम घूमने वाले हैं। ब्रेकफास्ट स्टे के साथ इंक्लूडेड था और यहाँ देखें सारे के सारे स्वीडिश ब्रेकफास्ट यहाँ पर अवेलेबल है। वेज नॉन वेज जिसका भी आपको शौक है सारे के सारे ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी है। जी भर के या फिर पेट भर के अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट करके हम रेडी हो गए फुल डे ट्रिप के लिए। वैसे तो आप अगर चाहें तो हपन हपअप लेकर पहले से ही बुक करके पूरा फुल डे आप घूम सकते हैं। हमने struma.com से बुक कर लिया था फुल डे ट्रिप के लिए, या फिर आप टू गो ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर टिकट परचेज कर सकते हैं और कहीं भी आप आ जा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था आने से पहले नेट पर अच्छे से करके आइएगा। देखिए सबसे पहले हम निकले हैं बोटानिकल गार्डन के लिए। यहाँ से बस वॉकेबल डिस्टेंस ही है और मुझे यहाँ पर वॉक करने में इतना अच्छा लगा। पेट भरा है, अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया है और पुरानी पुरानी जो घर हैं उनके बीच में से पतली गलियों से निकल के जब आप बोटानिकल गार्डन पहुँचेंगे तो सच में बहुत आपको तरोताज़ा महसूस होगा। 18th सेंचुरी के हाउसेस भी अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। इस तरह की गलियों में आपको स्वीडिश कल्चर का पता चल जाता है। हर लीजिए पहुंच गए बोटानिकल गार्डन। यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है और हम सीधा अंदर जाके बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करने लगे और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ऊपर नीचे घूम घूम के चारों तरफ फ्लावर्स देखना। सारे के सारे वैरायटी के प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं। दुनिया भर के प्लांट्स यहाँ पर संभाल कर रखा गया है और मोस्टली जो स्कैंडिक रीजन में मिलता है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। कुछ कुछ पेड़ तो ऐसे भी हैं जो कि 100-150 साल पुराने हैं और कुछ ऐसे जो कि 600 साल पुराने हैं। मैंने सारे के सारे वीडियोस तो नहीं बनाए क्योंकि यहाँ घूमने में इतना अच्छा लगता है और बीच बीच में बेंचेस से तो आप कहीं भी बैठें और मजा लें। तो मैंने कैमरा बंद कर दिया और आराम से चारों तरफ हम घूमें। कम से कम यहाँ पर आपको 1 आवर लगेगा चारों तरफ घूम के आने के लिए। और ये नीचे का एक सुंदर सा नज़ारा है। देखिए कितने सुंदर यहाँ पर सुंदर सुंदर से फेस से और सामने अच्छा सा एक डेकोरेशन है विद प्लांट्स। लाइव प्लांट से इस तरह से पूरे के पूरे डेकोरेशन किए गए हैं और हम अपने बस निकल गए फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब हम जाएंगे लीला बोमेन हार्बर के लिए। लीला बोमेन से हम आर्किपेलागो को टूर के लिए निकलेंगे। तो आप अगर पहले से ही हपन हपक के लिए बुक कर रहे हैं तो
यहाँ पर जो बोट राइड है हपन हपप के लिए, बस और बोट किसी में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। जो बोट राइड है वो ओपन राइड है, और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना Through the city. I want to tell you a little bit about Gothenburg's history. Gothenburg was founded 1621 by the king back then, Gustav Adolfo II. During that time, there was a lot of wars going on in the world, and our neighboring countries wanted to take over Sweden. So the king decided that we here in Gothenburg were going to build a 7-meter tall city wall around the whole city. The canals that we built were actually a moat. So we had both water around the whole city and a city wall, which was great protection. We were one of Here on your right hand side, you are soon gonna see the container terminal. इस तरह का बोट राइड में आपको लंच या ब्रंच भी मिलता है, यानी आप कुछ भी उपाय कर सकते हैं। So if you look here on your right, you can see the push wagons. These are used to transport goods to and from the island. And they're standing here because this is where the river quickies stay. और नॉर्मली यहाँ पर सी फूड एंजॉय किया जाता है बहुत ज़्यादा, बट टी कॉफ़ी और कुछ फीका या फिर आपके केक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें भी आप ले सकते हैं। लहरों के साथ खेलते हुए आगे बढ़ते हुए बोट में अगर आपको कभी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो तो फिर आप अंदर जाकर आराम से चेयर में बैठ सकते हैं। ऊपर एक अच्छा सा रूम भी है जहाँ पर टेबल्स पड़े हैं, आप वहाँ पर बैठकर आराम से कुछ अपना खा पी कर एंजॉय कर सकते हैं। खाते पीते नज़ारे देखना बहुत अच्छा लगता है। जितने भी यहाँ पर आपको बोट्स दिख रहे हैं, स्मॉल स्कीज दिख रहे हैं, ये सब में प्रैक्टिस चल रहा है, यानी यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक फन एक्टिविटी की तरह सब के सब एंजॉय करते हैं। Parks, large summer villas, and the plantation Arbore Skog are reminders of a resort life. Here there was once a restaurant, hot bathing facilities, and two hotels, which hosted the occasional royal visitor. In the northwestern part, you will find Styrsöpoken, the fisherman village, which grew into a large. Yeah.
अब यहाँ से बोट वापस जाने के लिए मुड़ेगी, तो जो आपने लेफ्ट साइड में पास से देखा था, अभी राइट साइड का भी आप अच्छे से देख सकते हैं, पास पास देख सकते हैं। Which everyone from the age of 14 can come here and learn how to sail. You can still see the remains of an old military area and some cairns that was built during the World War II and was meant to be used as shelter if there was ever a air raid. यहाँ पर बंजी जंपिंग की प्रैक्टिस की जाती है। बहुत ही ऊंचा सा ये ट्रेन का एक पार्ट है। आके पहले तो टूर से वापस आके हम फिर से लीला बोमेन पहुंच गए। यहाँ पर हम 2 बजे के करीब पहुंच गए थे और अच्छी खासी से भूख लगी थी। पास से एक अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इंडियन बिस्ट्रो, और यकीन मानिए एम्बियंस जितना सुंदर है उतना ही अच्छा यहाँ का खाना भी है। और सारे के सारे स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। खाना कितना अच्छा था ये तो आपको खाली प्लेट्स देखकर ही पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम निकल पड़े हागा के लिए। हागा ऐसी जगह है जहाँ पर यहाँ का पुराना आर्किटेक्चर आपको देखने मिलेगा। पुरानी पुरानी बिल्डिंग से पुराना एरिया है, और ये वो जगह है जहाँ पर सिटी के सारे लोग जमा होकर खूब सारा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये वहाँ का फेवरेट प्लेस होता है जहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए लोग अक्सर दिखाई देते हैं, या फिर एंजॉय करते हुए लोग दिखाई देते हैं, या ये कहूँ कि ये यहाँ का चौपाटी है। छोटे छोटे शॉप्स हैं, ओल्ड सिटी का ओल्ड टाउन एरिया है, और कुछ अगर आप अपने साथ लेकर आना चाहें यानी गोतेनबर्ग की यादें, तो यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे शॉप्स में बहुत अच्छे से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं यहाँ से। थके हारे से आकर कुछ देर हमने रेस्ट लिया, और फिर इवनिंग को 7 बजे, जी हाँ अभी 7 ही बजे हैं, 7 बजे हम निकल गए। पास ही एक जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ के लिए, और यहाँ का इडली डोसा बहुत अच्छा है। खाना खाकर हम फिर होटल की तरफ निकल गए, और रास्ते में रुक गए थोड़ी देर ट्रेन स्पॉटिंग के लिए। ये मेरे बेटे का फेवरेट काम है, उसे ट्रेन बहुत पसंद है। अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैप्पी लाइफ ब्लॉग्स। बाय बाय।